दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के बाद यूपी सरकार के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने केन्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद उनका यह पहला दिल्ली दौरा है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पार्टी बहुत पहले से ही कर रही है। लखीमपुर की घटना शीर्ष नेताओं के संज्ञान में है, अभी इस पर फैसला आना बाकी है। सरकार जनता के साथ हमेशा खड़ी है। और आइए क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। यूपी सरकार के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ हैं। सर, आज दिल्ली मंत्री बनने के बाद आप पहली बार आए, क्या कुछ एजेंडा था? देखिए, माननीय रक्षा मंत्री जी से हमारा पहले से अपॉइंटमेंट था, वो तो आज समय उन्होंने समय दिया था, उनसे मिलना था। और यहाँ दिल्ली प्रदेश के और NCR के समाज के बंधुओं के साथ एक अनौपचारिक बैठक मिलना जुलना था। कार्यक्रम केवल इतना ही था। और सबसे माननीय रक्षा मंत्री से भेंट शिष्टाचार पूर्वक हो गई और समाज के बंधुओं से मुलाकात यहाँ जब से आए तब से चली रही है। सर, तमाम पार्टियों भी प्रचार प्रसार में लग गई, 2022 नजदीक है, आपको मंत्री बनाया गया, माना जा रहा कि पिछड़ा वोट बैंक जो है और ज्यादा जुड़ेगा, यहाँ भी आप प्रजापति समाज तमाम लोगों के टच में है जैसा कि हमने देखा। लेकिन जिस तरह की सियासत हो रही है, अभी प्रियंका गांधी ने बोला कि 40% जो है वो महिलाओं को टिकट देंगे, क्या लगता है इन चीजों का प्रभाव दिखेगा? देखिए, सभी दल अपनी अपनी योजना अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनाव में जाते हैं, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है कि उसमें हम दखलंदाजी करें। हमारी पार्टी की अपनी रणनीति है, अपनी विचारधारा है। और हम यही नहीं कि अब अभी इस समय हम चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, कोरोना काल में भी जब सभी दल ट्वीट कर रहे थे तब हमारा संगठन सेवा के भाव में काम कर रहा था धरातल पे। हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा हर समय क्रियान्वित योजना क्रिया संगठन की संरचना उसी में हम व्यस्त रहते हैं हर समय। जिस दिन हमारा मंत्री पद की शपथ होनी थी उस दिन 12 बजे हमारी प्रदेश मुख्यालय में बैठक थी और 3 बजे तक वो बैठक चली संगठन की, उसमें 3 महीने की हमारी कार्य योजना बनी। तो हमारा संगठन हमेशा कार्य योजना में रहता है, तो हम लोगों को कार्य करने का अभ्यास भी है। लेकिन सर, जातिगत आंकड़े खासतौर पर यूपी में वोट बैंकिंग ज्यादा लागू होते हैं और यही वजह है नए मंत्रिमंडल विस्तार में इसे भी कमोबेश पूरा करने की कोशिश की गई। देखिए, माने हमारे मोदी जी का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो सर्वस्पर्शी सर्वग्राही सर्वस्पर्शी हमारी पार्टी की विचारधारा है। उसी के अब आप उठा करके देख लिए तो माननीय आज देश के संवैधानिक सबसे बड़े पद पर माननीय रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो मेरे साथ संगठन में महामंत्री थे, मैं मंत्री था उस समय, और आज भी देश के संवैधानिक सबसे सर्वोच्च पद पे हैं। हमारे आगरा की मेयर रही बेबी रानी मौर्य और वो उत्तराखंड की राज्यपाल रही, इस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि जातिगत आधार पर, हमारे यहाँ सबको सर्वग्राही सर्वस्पर्शी हमारी संगठन है और सरकार में भी सबकी सहभागिता रहती है। लखीमपुर घटना का आप कितना प्रभाव 2022 में देखते हैं? किसानों लगातार आंदोलन कर रहे हैं, गृहमंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग हो रही है, कि सभी हमारा शीर्ष नेतृत्व तो उस पर दृष्टि रखे हुए है और न्यायालय में उसका कुछ निर्णय आने वाला है, न्यायालय के विचाराधीन है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सरकार हमारी और हमारा संगठन आम जन के साथ है। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे धर्मवीर प्रजापति जो साफ तौर पर कह रहे थे कि सरकार और संगठन दोनों आम लोगों के साथ खड़े हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, KNews दिल्ली।